मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कई बड़ी घोषणाएं। मेक इन इंडिया के बाद मोदी सरकार लाई स्टडी इन इंडिया का शब्द। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को बताया महज जुमलेबाजी। बोले नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बजट में नहीं किया गया कुछ विशेष। बजट को बताया निराशाजनक। रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सामान्य सभा विवाद को लेकर बोले महापौर 3 तारीख के सम्मेलन को शून्य करने की करेंगे मांग। और एजाज देवर के निलंबन को बताया हालत। राजनांदगांव में एक घर में मिले 5 बच्चे। घर में बच्चों के अलावा नहीं था कोई बड़ा। बच्चों को बाल सुधार गृह भेज कर शुरू की जांच। 5 बच्चों में एक की उम्र महज 6 महीने। पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून फिलहाल नहीं दिख रहा मानसून सिस्टम का असर। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान शनिवार रात तक मध्य प्रदेश यूपी छत्तीसगढ़ और झारखंड में होगी अच्छी बारिश। नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए थे उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। उन्होंने आगे कहा है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल है। और हर घर जल हर घर नल के तहत 2024 तक हर घर में नल से जल की आपूर्ति होगी। और ग्रामीण बाजार से गांव को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले 5 सालों में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का भी लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत 1,95,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि पीएसयू कंपनियों की जमीनों पर भी सरकार मकान बनाएगी। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में विदेश निवेश की सीमा बढ़ेगी और सीमा में 100% निवेश भी होगा। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा सरकार बढ़ाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी साल $30 खरब पर पहुंच जाएगी और 5 साल में अर्थव्यवस्था का आकार $10 खरब बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर रहेगा और 2014-2019 के दौरान केंद्र राज्य गतिशील सहकारी संघवाद जीएसटी परिषद राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान करता है और सत्ता में भाजपा की वापसी उज्जवल और स्थिर नए भारत की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले 5 साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ही सरकार की ओर से छूट मिलेगी और उम्मीद हो तो कोई रास्ता निकलता है और हवा की ओट लेकर ही चिराग चलता है। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का परिचालन हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई स्टार्टअप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया है और गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया जाएगा। पोस्ट टू इंक्रीज स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ईच वन बाय 1 रुपी अ लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल। इट इज ऑल्सो प्रपोज to increase custom duty on gold and other precious metals from 10% to 12.5%. Tobacco products and crude attract national calamity and contingent duty. In certain cases, this levy has been contested on the ground that there is no basic excise duty on these items. To address this issue, a nominal basic excise duty is being imposed. To encourage domestic publishing and printing industry, 5% customs duty is being imposed on import. वही आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये देश का समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं।
ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा रहा है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना तय है। ये बजट उद्यम और उद्यमों को मजबूत बनाएगा, देश में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाएगा। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा, ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं, ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को केवल जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बजट में विशेष कुछ नहीं किया गया, कुल मिलाकर बजट निराशाजनक है। ये जो बजट है बहुत ही निराशाजनक है। पहली बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के भाव में 1 रुपया की वृद्धि की गई, इससे महंगाई बढ़ना है। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है। बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कैसे होंगे, इस बजट में कोई संकेत नहीं दिया गया है। मोदी सरकार 2.0 आम बजट पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि बजट में शिक्षा और सहकारिता पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, कुल मिलाकर मोदी सरकार का बजट निराशाजनक है। केंद्र सरकार की जो दूसरी बजट है वो काफी निराशाजनक बजट है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का बजट है, किसानों के लिए कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मिट्टी का तेल यहाँ के जरूरत है, यहाँ के लोगों को, उसमें भारी कटौती की गई है। और जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल में जो बढ़ावा के लिए प्रेसिडेंट के प्रस्ताव लाया गया है, उससे महंगाई बढ़ेगी, तो ये महंगाई का मार गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर सबका पड़ने वाला है। ये बजट कुल मिला के महंगाई को बढ़ाने वाला और निराशाजनक बजट है। रायपुर में महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामान्य सभा विवाद को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा को लेकर महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि बजट गिरा नहीं है, 3 तारीख का सम्मेलन सभापति द्वारा किया गया, उसे शून्य करने की मांग शासन से करेंगे। सभा में एजाज डेबर को सभापति ने निलंबित किया है, जो पूरी तरह से अनुचित था और निलंबन का अधिकार उन्हें नहीं है। प्रमोद दुबे ने सभापति से कहा है कि सभापति के स्थान पर किसी नामित व्यक्ति द्वारा सदन चलाया जाए, सभापति पर विश्वास नहीं है। इस बार के बजट में संपत्ति कर 50% कम करने का प्रावधान हमने रखा है, निगम क्षेत्र के सभी परिवारों के राशन कार्ड बनेंगे। 3 तारीख को जो सामान्य सभा थी वो शून्यता की श्रेणी में है, उसको शून्य किया जाए करके हम शासन के समक्ष माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास जाएंगे, हम तथ्यात्मक बातों को लेकर हम शासन के समक्ष रखेंगे। हो सकता है 3 तारीख की जो सामान्य सभा हो वो चूंकि कोई कार्यवृत्त उस पर दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उस दिन के उसका कोई औचित्य नहीं रहा, जनता के पैसे की जबरदस्ती बर्बादी उन्होंने की है।
जशपुर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने सभी 36 विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। 4 घंटे चली बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि जिले में सीमांकन, नामांतरण और अन्य कार्यों के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री इसके लिए कलेक्टर को निर्देश देंगी। हमने कलेक्टर को आदेश दे दिए और सारे रेवेन्यू अधिकारियों को आदेश दे दिए कि आप शिविर लगाइए ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय और इस तरह की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 रुपये मंत्री के रूप में शपथ लेने और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए जाने के बाद अमरजीत भगत पहली बार अपने गृह जिला सरगुजा पहुंचे। रेल मार्ग से जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। सबसे पहले वे जिले के सिद्ध महामाया मंदिर पहुंचे। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई। मंत्री का जगह जगह पर स्वागत किया गया और उन्हें 80 किलो लड्डू से तोला। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पत्र के आधार पर अब तक जहां 98,000 बीपीएल परिवारों को 35 किलो चावल देने की योजना थी, तो वहीं अब प्रदेश के 65 लाख परिवारों को सरकारी चावल देने का काम भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता जो आस्था और विश्वास के साथ हम लोगों को सत्ता में बैठाया है, उनके पैमाने पे, उनके विश्वास पे हमको खरा उतरना है। प्रदेश में सरकार की घोषणा के बाद भी पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है। जवान हतोत्साहित हो रहे हैं, इसका कारण प्रमाण सामने आ चुका है। इस मुद्दे पर पुलिस महानिरीक्षक डीएम अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में वीकली ऑफ जवानों को मिल रहा है और अभी कई जिलों में बाकी है, क्योंकि पुलिस बल बहुत कम है। ऐसी स्थिति में छुट्टी देना संभव नहीं है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, इसकी जिम्मेदारी सभी एसपी को दी गई है। जहां वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है वहां भी वीकली ऑफ मिले, इसके लिए प्रयासरत है। अब वो जिलों के रोस्टर के हिसाब से बहुत संख्या बल में कमी है, इसलिए कई जिलों में अभी वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे जिलों में प्रारंभ भी हो गया और जहां भी प्रारंभ हुआ है वहां पर किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ रही और मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे सभी जगह लागू है। प्रदेश के लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाली तीज और कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर छठ पूजा को सार्वजनिक अवकाशों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक नंद किशोर शुक्ल ने राज्य सरकार को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह एक सराहनीय कदम है, जनता में इससे खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के लिए काम कर रही है और उसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण के लिए भी काम करे, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण तभी संभव है जब भाषा का संरक्षण हो। छत्तीसगढ़ महिला क्रांति सेना भी सरकार को इस पहल की बधाई दी है। ये बहुत ही उत्साहजनक है, काबर की छत्तीसगढ़ के जतेक महिला मन है उमन निर्जला व्रत रखते हैं और छुट्टी के दिन उमन अगर छुट्टी मिला थे सरकार तरफ से तो उमन मायके जाते हैं, तो मायके आ जाए मन निर्जला व्रत रखे, दूसरे दिन पारायण करते, तो बहुत ही उत्साहवर्धक है सरकार की घोषणा। काहे के छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, संस्कृति के चिन्हारी आए हरेली, ये कृषि प्रधान राज्य, सब किसान घर घर मनाते, वही प्रकार के तीजा हो जितका दाई बहनी मन हवे वो मनाते, ये छत्तीसगढ़ की ये दोनों के दोनों त्योहार बहुत घर घर में प्रतिष्ठित हवे, एक छुट्टी दे करके बहुत बड़का काम करे है, एक लिए हम बहुत बहुत बधाई देवा था। राजनांदगांव में एक कॉलोनी के मकान में 5 बच्चों के मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घर में बच्चों के अलावा और कोई नहीं मिला है। बच्चों की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है और इसमें से एक 6 माह का बच्चा भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस ने बच्चों को बाल संरक्षण की टीम को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस के पास मकान से जुड़े कोई सुराग नहीं मिले हैं। पुलिस के द्वारा इसमें आगे उसके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है कि वास्तव में यह व्यक्ति कौन है, गार्जियन है अथवा कोई अन्य व्यक्ति है, इन बच्चों को किस उद्देश्य से रखा है, इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर लगे गोदवारी नदी पर चल रही अवैध रेत खनन पर प्रशासन हरकत में आ गया है। यहां राजस्व विभाग और तहसीलदार ने कार्रवाई की और कोतुर के पास अवैध रेत परिवहन की सूचना पर तहसीलदार शिवनाथ बघेल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 पोकलेट वाहनों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद रेत माफिया सख्ती में है। तो रेत ही कहां जमा कर रहे हैं? यहां पर थार लगा। कहां ले जाने के लिए? वही यहां
आंध्र प्रदेश वहाँ ले जाकर क्या करते हैं, बेचते हैं? बेच रहे हैं। क्या रेट में बेचते हैं? क्या आएगी फिर? 26 तारीख को हम लोग को सूचना मिली शिकायत के आधार पे कि तारलागुड़ा गोदावरी नदी के समीप अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। इस संबंध में हम लोग राजस्व दल के पटवारियों के साथ और मैं मौके पर पहुंचे और वहां पर मौके पे हमें 3 हुंडई पोकलैंड जो क्रेन थी वो मिली, वो अवैध उत्खनन किया जा रहा था उसके द्वारा। तत्काल हम लोगों ने उसको जब्ती की कार्रवाई की और उसको पुलिस थाने को सुपुर्द किया। सूचना मिली थी कि गोदावरी नदी में रेत उत्खनन का कार्य चल रहा है, तो उस पे फिर कलेक्टर महोदय के आदेश पे भोपालपट्टनम तहसीलदार बघेल साहब आए थे और उनके द्वारा राजस्व विभाग के तहत कार्रवाई करके 3 जेसीबी जब्त की गई है और उनको सुपुर्दनामे में देकर उनकी चाबी, 2 गाड़ियों की चाबी हमारे थाने को सुपुर्द की है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के भटगांव SBI बैंक के ATM से कटेफटे और धुले हुए नोट निकले हैं। इस संबंध में बैंक से लोगों ने बात की लेकिन यहां पर उन्होंने कहते इनकार कर दिया और नोट लेने से भी मना कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में लोग अब जाएं भी तो कहां जाएं, क्योंकि जो नोट ATM से बाहर निकले हैं अब उनका कोई भी मूल्य नहीं है। कितने नोट यहाँ पर जो फर्जी मिला है, नकली नोट? क्या लग रहा है उस नोट आपको, नकली जैसा लग रहा है क्या? कैसा दिख रहा है नोट को, गांधी जी दिख रहा है क्या उसमें? महासमुंद में हो रही लगातार बारिश ने खेती किसानी के लिए मौसम को अनुकूल बना दिया है और अच्छी बारिश के आस में बैठे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जहां किसानों में बारिश की वजह से खुशी है, वहीं खाद बीज की किल्लत होने से काफी परेशानी भी नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि सोसाइटियों में पर्याप्त भंडारण नहीं होने के कारण उन्हें खाद और जो बीज है वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानी का काम पिछड़ता जाता है। बीज डालने का काम चालू कर दिए हैं, बहुत खुश है। इस साल आज 10 सालों में पहली बार निरंतर बारिश हुआ है 2-3 दिन, उससे सारे किसान बहुत खुश हैं। आगे आगे हो चाहिए पानी, ऐसे में पानी नहीं और चाहिए 5-7 बार तो ठीक रहेगी। पूरे जिले में बीज की आवश्यकता 52,920 क्विंटल है और खाद की आवश्यकता 63,200 टन है। बीज की अगर कहें तो बीज का भंडारण अभी 49,562 क्विंटल किया है, जिसमें वितरण 28,811 क्विंटल का हो चुका है। 11 साल से ग्राम पंचायत की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे मजदूर किसान ने आत्महत्या की धमकी दी है। कसरावत के बड़गाम में किसान अरविंद की जमीन पर ग्राम पंचायत ने मुरम से सड़क निर्माण किया था। किसान का आरोप है कि सड़क ऊंची बनाने की वजह से बरसात का पानी खेत में घुस जाता है और पूरी फसल जलमग्न होकर खराब हो जाती है। हर साल हजारों रुपए का नुकसान झेल रहे किसान की शिकायत पर किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए तंग आकर उसने है धमकी दी। रायगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए रायगढ़ के SP ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक कर अवैध कार्य पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले के कई थाने के प्रभारियों ने जुआ सट्टा और दारू पर बीती रात ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में चक्रधर नगर थाना प्रभारी ने सट्टा पट्टी लिखने वालों को धर दबोचा। विगत कुछ दिनों से कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरोड़ी मल उजवट्टी पत्रापाली में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि सार्वजनिक जगह में मद्यपान किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के तत्काल लगाम लगाया जाए। नगर निगम ने पुराना बस स्टैंड में गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें साफ सफाई रखने की हिदायत भी दी गई। यह पहला मौका है जब पालिका ने इस तरह की चालानी कार्रवाई की है। और वे घर बिना डर के वो रोड पर फेंकते हैं। अभी मैं 2 दिन से जा जाकर उनको चेतावनी भी दी, उसके बाद नहीं मानने का कारण 11 बजे मैंने टीम को बुलवा के कर दिया। मितान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने धर्मजयगढ़ SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहला जो गर्भवती महिलाएं जो हुई हैं उन्हें राशि नहीं मिलने से हितग्राही महिलाएं नाराज थीं।
उन्होंने परियोजना विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मितानिनों के मुताबिक उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है और दो सालों से मिलने वाला प्रोत्साहन राशि रोक कर रखी गई है। गर्भवती महिला को जो है इनके स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया जाता है, गर्भावस्था के दौरान देखभाल के लिए पैसा दिया जाता है, प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन आज बच्चे 1.5 साल के हो गए हैं, 2 साल के हो गए हैं, लेकिन उनको राशि नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो है उनकी स्वास्थ्य सुविधा में इस राशि का जो है लाभ नहीं ले पाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो राशि नहीं मिला है वो राशि उनको जल्द से जल्द दिया जाए। परियोजना अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, एसएसपी बना पीड़ित होकर सभी महिलाएं हमारे कार्यालय में आई और अपना आवेदन प्रस्तुत किया। विभागीय अधिकारी हैं और वहाँ पर उसको निरीक्षण करते हैं, कोई जवाबदार हैं और उससे जो भी होगा उसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा देंगे और उचित कार्रवाई करें। बत्तलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती गरीब मरीजों को खून नहीं चढ़ पा रहा है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीजों को खून चढ़वाने बाहर जाना पड़ रहा है। दरअसल 32 वर्षीय एक बीमार महिला पेट संबंधित बीमारी से परेशान है, इलाज के लिए इसे सिविल अस्पताल आना पड़ा। जब यहां पर कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी सब कुछ सिर्फ डॉक्टरों की अनदेखी के कारण महिला को ब्लड नहीं चढ़ पा रहा है। बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी, मेरा बी पॉजिटिव था, मैं तत्काल यहां अस्पताल में पहुंचा, परंतु एक घंटा से घूमने के बाद भी कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिला। तो डॉक्टर संतोष पटेल का जो मैसेज आया हुआ था उनसे मैं संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई प्रभारी ब्लड प्रभारी अधिकारी कोई है नहीं, जिसकी वजह से हम आपका ब्लड नहीं निकाल सकते हैं और उस महिला को तत्काल अभी किसी दूसरे अस्पताल में रिफर किया जा रहा है। ये तो ब्लड बैंक प्रभारी जो है डॉक्टर का कमजोरी है, उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर कहीं भी कुछ भी हुआ है तो उसके जगह एक आदमी का नियुक्ति होना चाहिए कोई भी डॉक्टर का, नहीं तो डॉक्टर का कमी चलते नहीं ले रहे हैं, जो प्रभारी है उसके मतलब हिसाब से लेते हैं, बीएमओ साहब भी हैं उनके ये से लेते हैं तो छुट्टी में है वो। धर्मजयगढ़ में बिजली के तार से एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 16 साल का नाबालिग हाई वोल्टेज लाइन की लूपिंग कर रहा था, उसी दौरान तार उसके शरीर पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव वालों में दहशत का माहौल है। रायगढ़ शहर की एक छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन एक घंटे बाद वह हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मिली, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल तक लड़की को पहुंचाने वाले युवक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। उसी युवक ने युवती के परिजनों को अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। थाने में इसे मिली थी कि हॉस्पिटल में और उसमें अभी टीम रिपोर्ट टीम की कार्रवाई चल रही है, टीम रिपोर्ट आने तक का शॉर्ट की उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले समूचे प्रदेश के शहरी इलाकों में जारी परिसीमन पर अब राजनीति तेज हो गई है। अंबिकापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर परिसीमन में मनमानी करने का आरोप लगाया है। मूल भावना है कि जो विसंगति है जो असमानता है उसको दूर किया जाए, लेकिन इस बार जो परिसीमन हुआ है न तो किसी दल से कोई बात की गई, न किसी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से बात की गई, न रहने वाले वार्ड के पार्षदों से बात की गई, और जिस प्रकार से परिसीमन हुआ है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में रोष व्याप्त है कि एरिया में हमको जाना पड़ रहा है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है और अभी सुधार उसमें जारी है कि जैसे अभी भी जो दावा आपत्ति बुलवाई गई थी उसमें भी सुझाव लेकर और उसमें जो अच्छे सुझाव थे उसको शामिल करते हुए फाइनल प्रकाशन शायद प्रशासन करेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है, इसमें शिक्षकों का भी योगदान नजर आ रहा है। हजारों रुपए वेतन हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपना फर्ज भूलते जा रहे हैं। मसूरी विकासखंड के प्राथमिक शाला स्कूल थेम हापारा के प्रिंसिपल मैडम जी छोटे छोटे बच्चों से अपने बच्चे की देखभाल करवाती नजर आ रही है। एक और जहां बाकी बच्चे पढ़ाई करते हुए देखते हैं तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय की एक शिक्षिका पढ़ाने के बजाय मोबाइल फोन पर व्यस्त रहना जरूरी समझ रही है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ सहित राजधानी में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। रायपुर में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं निम्न दाब का क्षेत्र कम होने के कारण आज छत्तीसगढ़ में कम बारिश होगी और शनिवार से फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिक आर के वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है, इसलिए मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अभी फिलहाल किसी सिस्टम का असर नहीं दिख रहा है, इस वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में कम बारिश होगी। राजधानी में पुलिस के चार सिपाही अनोखी पहल से सैकड़ों मासूमों को जीवन का संवार रहे हैं। महेश कुमार नेताम के साथ और चार जवान अपनी सैलरी कुछ राशि जमा कर चार अनाथ बच्चों के लिए प्रयास संस्था की स्थापना की थी। एक साल में इस संस्थान ने लगभग 200 अनाथ असहाय गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर खान पान की जिम्मेदारी उठाई है। अलों के लिए हम और आप लोगों का एक धारणा बन गया है जो हम सबको पता है, लेकिन आज उनका वो रूप हम आपको दिखाने वाले हैं जो अनछुपा है, राजधानी के किसी कोने में दबा हुआ है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पुलिस वाले भाई हैं जिनके प्रयास से आज सैकड़ों बच्चे अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं। आपको कैसे लगा, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आप ये प्रयास संस्था का निर्माण करें, इसमें बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं? ड्यूटी के दौरान हम लोग अपने साथ में अपने साथियों के साथ घूम रहे थे, तो कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, उनसे रोक के हमने पूछा, नशे के आदि भी थे, उनसे रोक के पूछा बेटा तुम इस प्रकार की हरकत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में हमारे मम्मी नहीं और पापा नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम घूमे नहीं तो क्या करें। तो वहीं से हम लोग के दिल में थोड़ा सा धक्का लगा और हमने वहीं से ठान लिया कि आज इन बच्चे लोग को हम लोग ही पढ़ाएंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और स्कूल में एडमिशन भी कराएंगे। और वो बच्चों को उनका फिर हम लोग धीरे से हम लोगों ने सब स्टाफ मिलकर लालन पोषण करने लगे। उसको देखते देखते धीरे धीरे चार बच्चों से और जनसंख्या हमारी श्री प्रयास जिस पर्सन सोसाइटी में 150 से 200 की हो गई है। यहाँ सब गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ पर सभी स्टाफ कर्मचारी मिलकर सहयोग करते हैं और उनके भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे बच्चे हो गए, आप चार बच्चे से स्टार्ट किए, लगभग 200 के हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको संकट होती होगी या इनका आर्थिक कैसे मैनेज करते हैं इनको? आर्थिक संकट हमें पहले होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे साथ में प्रयास संस्था में बहुत से लोग जुड़े हैं जिसमें कर्मचारी भाई भी हैं और साथ ही साथ हमारे CSP सर कृष्णा पटेल सर, TI याकूब मेमन सर और हमारे SP सर, IG सर और DGP सर भी हमें अब सहयोग करते हैं। और कुछ हमारे कर्मचारी भाई जब हमें तनख्वाह मिलता है तो उसमें से 1-2 हज़ार रुपये हर महीने हम इस फ्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के लिए एकत्रित करते हैं और उसी से इन बच्चों लोग के लिए कॉपी और किताब खरीदते हैं। तो ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छा काम है। पुलिस की नॉर्मल जो वर्किंग है और जिस तरीके से लोग उसको समझते हैं, सबके मन में आम धारणा है और खास करके पुलिस के सिपाहियों के बारे में तो यही धारणा है कि वो तो बदमाशी होते हैं, लेकिन कोई सिपाही जो इतना अच्छा काम कर सकता है, और इसमें 3-4 सिपाही हैं जिनकी महेश और 2-3 और जिन्होंने इतनी मेहनत से ये काम किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।